कैसा मालूम? अच्छा औरत थी आदमी था वो छोड़ने वाला? आधे में से ले रहे छोकरे अपने मोबाइल से? किसके मोबाइल से ले रहा? कौन छोड़ा? आदमी छोड़ा। कहाँ से लाया था? शमशान से, कब्रस्तान से? फोटो लेके बच्चे की? सर्वर की फोटो बच्चे की? हाँ कितने सालों का ली जाके? कितने साल? 5-6 साल ऊपर हो रहा। 6 साल हो गए? 6 साल हो गए। क्या दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी उसको? हाँ जायदाद, जायदाद होना था इनकी। अच्छा बच्चों को सबको मार देने का था क्या फिर घर में? गए हाँ एक, खाली एक को मारने का है? एक कुछ और बाकी सबको परेशान करने का? परेशान नहीं, हाँ। कुछ अच्छा इसको मार देने का? हाँ। तो इसको मारने की मुद्दत कितनी दिया था उन्हें? 7 साल 6 साल कितने साल? नहीं पूरा मुद्दत तो नहीं बता। 6 साल और आगे। अच्छा तुझे कहाँ से? कब्रस्तान से? शमशान से? कहाँ से पकड़े? कब्रस्तान से। कब्रस्तान कौन से गांव का कब्रस्तान था वो? ये हाँ कौन से गांव का था? अच्छा तू मरा सो तेरा नाम क्या है? मरने से पहले क्या नाम था? नहीं मालूम। पकड़ दिए थी तू उठा के आ गया लोगों के आंग में इंसान हो गया है ना जान लेने के वास्ते? वाह रे तू जिन्नात की नस्ल से मरा इंसान की? हाँ जिन्नात की नस्ल है क्या मरा वाला इंसान है? जिन्नात की नस्ल से है? ऐसा लोगों को परेशान करता करा किसको? तेरा कितने जनों को मारा अभी तक? अच्छा किसको भी नहीं? बच्चे का खून तू पी रहा था ये आके आंग में काट के? खून पीने वाली नस्ल में का जिन्ना थे तू? ऐसा अगर जुलूम तो और क्या कर रहा? मियाँ बीबी में तलाक करा रहा था? मियाँ बीबी तुम कर दो मिनट। हाँ मियाँ बीबी में तलाक करा रहा था? नहीं लड़ाया क्यों लगा रहा था फिर इतने? और इसको कैसा मारने वाला था बच्चे को? एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के सुसाइड करा के कैसा? उल्टी करा के। अच्छा उल्टियाँ तू करा रहा था ये अंदर बैठ के? उल्टी करा के वो जिसने जादू करा। चलो इसको बहुत सारे बातें नहीं मालूम है, बहुत पुराना है, इसको एक मौका देंगे, इसको याद करके आएगा उन्हें सब जाके दूसरी चक्कर तक। कौन डाला सो उसका नाम, क्यों डाला, वजह सारी दास्तान याद करके आएगा, समझा ना? और उसके उल्टियां फिल्टियां भी बंद कर दे। अगर उसके उल्टियां दिखेंगे मेरे को दोबारा चालू तो तेरे दाता तोड़ने का हुक्म दे दूंगा दोनों भी। फिर पी खून दसा पीता इंसान का तोबा कर जल्दी मारो दोनों हाथा मुंह पे जोर से बोल तोबा अंडा के बोल थोबा अंडा के सुने नहीं आ रहा मुझे अंडा आने के बाद सुने आ रहा अंडा के जोर से जिन्नात है ना आवाज लगा पूरी जोर से हाँ सताएंगा इंसानों को सताएंगा ये बंदे को दोबारा दिखना नहीं मुझे और उल्टियां पिल्टियां सब बंद कराना और क्या है सारी दास्तान याद करके आना दूसरे चक्कर तक। कौन डाले सो कहां से आया शमशान कब्रस्तान सब चल भाग। ये जो मसला है खुद ब खुद आए वाला नहीं है, वो जिन्नात है। वो जिन्नात को कब्रस्तान से पकड़ के उसके आंग में ला के डाले थे 6 साल पहले का वाकया उन्हें बयान करा, मैं मेरे जबानी बयान नहीं कर रहा। और मेरी खास बात है अल्लाह के फजल करम से कि मैं कभी मेरे जबानी बयान नहीं करता, तुम लोग खुद आकर मेरे सामने तुम्हारी जबान से बयान करते क्या माजरा है। तो क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शय बला जादू टोना जो भी है वो सामने यहाँ हाजिर होता और वो सब बयान करता। और एक बात जहन नशीन कर लेना कि हाजिर वो कब होता, जब तुम्हारी लड़ने की फसादत करने की नीयत नहीं रहेंगी और जिसने भी करा उसको तो मार तो कुदरत की तरफ से मिलेगी ना उसको। जब यहाँ से हटा रहे शैतान को मार के तो उसको कैसा छोड़ेंगे? उसको वो हमारे पे छोड़ देना, हम बरोबर उसको सजा देते। कैसी सजा देने का, कैसा मारने का, कैसे उसको पटकिया देने का, सब रात दिन के काम है। खाली तुम्हारा काम ये रहता कि उसको छोड़ के शर नहीं फैलाना, झगड़ा नहीं करना, खामोश रहना। तीर को मीर उन्होंने क्या बोलते तो जादू करा उसको सवा शेर बन के बताने का, शेर को सवा से बरोबर उस पर फिर पलट के वारा पड़ते और वारा पड़ते उसके हाल बुरे होना चालू हो जाते। और दूसरी बात ऐसी है कि ये कोई जिन्नात था और ये जिन्नात खून पीने वाले कसम में का था। इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ घर पे? वो उससे पहले हाजिर हुआ के मेरे पास आने से पहले इलाज में पहले हम लोग उधर घर में थे ना तो जब वो हाथ बेचैन हाजिर हो के सवाल हो गए क्या?
फोन पीने का दिल बोल रहा बोले थे, फोन होना मेरे को, फोन पीने का, मेरे को फोन पीने का सुर रहे थे, वो एक ही बात। वो अंदर आके घर में झगड़े करके किरकिरिया करके, इससे पहले तो कहीं हाजिर नहीं हुआ वो, एक बार एक महीना पहले आए थे, एक महीने बाद फिर अब आए दूसरे रिजल्ट पे, दूसरे राउंड में उनके तो खून निकाले अपना, तो दूसरे राउंड में खून निकाल के चाट रहा था, बोलते वो आंख पे हाजिर हुआ था कि उसको मार पड़ रही थी, जैसा भी अमल चल रहे थे जो भी अमल के दौरान में, तो उसको मार पड़ी तो घर पे हाजिर हुआ, हाजिर होकर ड्रामे कर रहा था, यहाँ पकड़ लिए, पकड़ के पूछे सब दास्तान तुम्हारे सामने बयान कर दिए। और दूसरी बात ऐसी रहती कि सबसे अहम मैं तुमको बार बार ये सारे बातों का निचोड़, सारे बातों का कंक्लूजन लास्ट में एक ही चीज निकलता है, इबादत की राह को मजबूती से थाम लो, अल्लाह और उसकी रस्सी को तुम अगर मजबूती से थाम लेंगे लोगों, तो फिर तुम लोग महफूज रहेंगे। तुम घर से बाहर निकलते वक्त अगर दुआ पढ़ लेंगे तो अल्लाह तुम्हारी जाके आए तक हिफाजत भी करता और तुम्हारे घर वालों की भी हिफाजत करता। तुम दुनिया की लाख सिक्योरिटी फोर्स लगा दो, सिक्योरिटी लगा दो, एक से एक सिक्योरिटी वर्ल्ड की बेस्ट लगा दो, तुम्हारी हिफाजत में नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं चूक जाते। अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसको दो जिसने कायनात की सर्रे सर्रे की रचना रचे वाली है, जिसने तुम्हारी रूह की बुनियाद डाली, जिसने हर चीज पे खादिर है, उसको जिम्मेदारी दो। वो जब तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा तो बाल से बारीक तुम्हारे बाल को भी बाका नहीं होने देगा, धक्का भी नहीं लगने देगा। तो उसको अल्लाह को, वो जो सातों जमीन और आसमान का मालिक है, वो रब्बे काबा है, रब्बुल अर्शुल अजीम है, उसको क्या बोलते, तुम अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी दो, दुआएं पढ़ के तो तुम महफूज रहेंगे। खाने की दुआ है, चलने की दुआ है, बैठने की है, हर चीज़ की दुआ याद करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुआ मुसलमान ही याद करना, दुआ हिंदू भी याद कर सकता है, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, क्रिश्चियन भी। तुम पढ़ो तो तुमको फैज़ मिलेगा ना, फिर उससे फैज़ मिलेगा, उसकी तुम्हारे बरकत हासिल होंगे, और उसके बरकत से तुम्हारे दीन की दुनिया की दौलत से भी अल्लाह नवाज देगा, क्या मालूम तुम अगर पढ़े तो। और दूसरी बात के तुम महफूज भी रहेंगे, तुम महफूज रहेंगे, तुम्हारा घर महफूज रहेगा, तुम्हारा घर महफूज रहेगा, सब फैमिली खुशहाल सुख में रहेगी, एकदम सुकून रहेगा घर के अंदर। और ऐसे चीज़ घर में घुस गए तो सब लोग परेशान होते, लास्ट में घर को भी हलाक हो जाते। ये सब बहुत सारी बातें हैं, ये मैंने बहुत बहुत देखा और दुनिया को प्रैक्टिकल में बताया, मैं जो देखा वो तुमने नहीं देख सके, तुम जो देख बहुत सारी दास्तान है। लास्ट में ये सब बातों का निचोड़ तोड़ इस सब का एक ही है कि इबादत तुम मजबूत है, और वली अल्लाह को बुरा मत बोल, तुम इबादत लाख कर लेंगे, लाख सजदे अल्लाह के सामने कर लेंगे, लाख कुरान अल्लाह को पढ़ के बख्श देंगे, वो पढ़ के नबी के शान में भी बख्श देंगे, अल्लाह के वास्ते भी पढ़ देंगे, तो भी तुम्हारे मुंह पे फिक्के मारने लगा देता अगर वलियों को बुरा बोल दिए तो। देखते क्या वाकया बताऊं क्या, यजीद ने भी तो सजदे करा था, यजीद के साथ जो फौज थी तो उसमें खारी, उसमें बुखा, उसमें खारी, उसमें हाफिज, उसमें आलिम, उसके अंदर बड़े बड़े लोग थे ना, उन्होंने भी तो सजदे करे थे, उन्होंने भी कुराना पढ़े थे, उन्होंने भी इबादत करे थे। इमाम हुसैन के साथ उन्होंने ज्यादती करे जंग के मैदान के अंदर, क्या करे तुम सबको पता है वाकया। बाद में अब उनकी तो सारी इबादतें, नमाजें, जकात, रोजे, हज, जितने भी सब उनके मुंह पे फिक्के मारने लगा दिया ना अल्लाह ने, खत्म हो गया। तुमको भी मालूम है, सबको मालूम है, हशर के दिन उनके साथ क्या होने वाला है आलम। तुम बोलेंगे नहीं नहीं यजीद सही था, माज अल्लाह हुसैन, तो ठीक है तुम उठो यजीद के साथ, हम उठते हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में, देखेंगे किस कौन किस। फिर तुम बोलते नहीं नहीं हम यजीद के साथ नहीं उठेंगे, हम तो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उठेंगे, तो फिर तुमको मालूम है ना हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो रहेंगे वो सब जन्नत के हकदार है, और इधर जो रहेंगे वो सब जहन्नुम के हकदार है। क्या उन्होंने सजदे नहीं करे थे, क्या उन्होंने इबादत नहीं करे थे, क्या उन्होंने कुरान नहीं पढ़े थे, मगर अल्लाह के वली हुसैन अलैहिस्सलाम देखो क्या शान रखा अल्लाह ने उनकी, उसके वलियों की, नवासा रसूल अल्लाह के पैगंबर खातिमुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं, मगर वलायत के तो दरवाजे चालू है इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर तक। इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब आ जाएंगे वलायत के दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसके बाद फिर कोई वली पैदा नहीं होगा, खातिमुज़्ज़मा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, वैसा इमाम महदी के बाद में कोई वली पैदा नहीं हो सकता। तो अभी तो वलायत के दरवाजे चालू है ना, तो इमाम महदी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने बड़े क्या बोलते, तो वलायत के मकाम पे फैज़ दिया था अल्लाह ने आपको, तुम सबको मालूम है। वली से पंगा लिया उन्होंने यजीद ने, तो क्या आलम हो गया उसका, उसकी हुकूमत भी चली गई, दुनिया भी चली गई, दीन भी चली गई। चार बड़े साहबा जिन्होंने कुरान नाजिल हुआ तो अपने हाथों से लिखे थे कुरान को, ने बशारत दिए थे कि चारों जन्नत के हकदार है, जिसमें से अमीर माविया भी एक थे, तो उनका साहबी का बेटा रहते हुए भी तो जहन्नुम का हकदार होगा। ये सब बातें समझो, अल्लाह ने पहले फरमा दिया कि मेरे वलियों को बुरा नहीं बोलना, हदीस कुद्दूस में भी आता, अगर मेरे हदीस से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, और हदीस कुद्दूस जो अल्लाह डायरेक्ट फरमाता उसमें फरमाता कि मेरे वलियों को बुरा मत बोलो, अगर उनके बारे में तुम खाली बुरा सी सोच भी रखते, बुरा बोलना तो बहुत दूर की बात है, खाली तुम सोच भी रखते तो तुम्हारी सारी
इबादत रद्द कर दूंगा और तुम अल्लाह के दुश्मन बनेंगे, अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान करता, अल्लाह पहले फरमाते हैं जंग का ऐलान कर देता, बोलते सब खत्म हुआ, तो तुम अल्लाह से दुश्मनी लेके लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और तुम्हारे बाप, अब बोलने को तो मेरे को बहुत अल्फाज है मगर क्या बोलूँ, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। यजीद, और यजीद का तो छोड़ दो, दज्जाल कभी आलम क्या आने वाला तुमको मालूम है, आने के बाद में इतने भी जादू करके दिखाने वाला होने की जिसके अंदर, उसको भी छोड़ो तो आने वाला है मगर गुजर गया लोगों को भी तो देखो, शद्दाद, फिरौन, नमरूद, हामान, दुनिया पे हुकूमत थी उनकी, क्या आलम हुआ, कैसा मरे बाद में, कैसी इबरत की निशानी बन गए दुनिया से। अल्लाह से जंग करने निकले थे, कोई नहीं जीत सकता अल्लाह से, और अल्लाह को कोई गुमराही में भी नहीं रख सकता। अल्लाह फरमाता कि जो लोग बोलते ना, अभी बहुत सारे जमातों को भी देखा मैंने, उन्होंने क्या कर रहे हरकतें, जा रहे चलो साथी जन्नत के वास्ते नमाज पढ़ने, अरे माशाल्लाह। और मुसलमान और हमको बोलते आके कि तुम शिर्क कर रहे दरगाह पे जाके, शिर्क कर रहे, बताओ तेरे को शिर्क का मतलब क्या होता, तो शिर्क 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 का झंडा लेके नाच रहे। जो मोमिन बंदे के पास तुम जा रहे तबलीग बोल के, वो तबलीग नहीं होती, मुसलमान मुसलमान से अगर दीन की बात करा तो उसको इस्लाह बोलते, इस्लाह आपस में तुम इस्लाह कर रहे, तुम तबलीग नहीं फैला रहे, काफिर पे जाके दीन की दावत देना उसको तबलीग बोलते। और दूसरी बात अहम, तुम बोलते ना दरगाह पे जाना शिर्क, दरगाह पे जाना शिर्क नहीं है, शिर्क क्या होता बताओ, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने को शिर्क बोलते। और शिर्क कौन करता पता है, जो आके दावत देते चलो साथी अल्लाह के वास्ते, नहीं बोलते चलो साथी नमाज पढ़ने को, नमाज पढ़े तो जन्नत मिलती, अल्लाह के साथ तुमने जन्नत को शरीक कर दिए और अल्लाह के साथ जन्नत शरीक हो गए, और जाके जो नमाज पढ़ रहा सजदे कर रहा उन्हें अल्लाह के वास्ते नहीं कर रहा, उन्हें जन्नत लेने के घर से सजदे कर रहा, तो उन्हें जन्नत लेने की गर्ज से जो सजदे कर रहा तो अल्लाह बोलेगा कि जाओ जन्नत से तेरे तूने सजदे कर रहा ना जाके उससे अजर ले, देती का देखेंगे, जन्नत चांद सूरत दोजख हर चीज अल्लाह की मोहताज है, उसके हुक्म के गुलाम है। और दूसरी बात सबसे अहम तुम्हारा ये भी बताऊंगा कि ये जो बोलते ना शिर्क शिर्क शिर्क, ये होता शिर्क क्या होता कि उसका अकीदा वहां से अल्लाह से हटा के उसका अकीदा लगा रहे कि जन्नत मिलेंगी, जन्नत के वास्ते उन्हें नमाज पढ़ रहा। और अल्लाह के वलियों के सजदे कैसे रहते मालूम तुम्हारा, अल्लाह के वलिया जो सजदे करते तो अल्लाह के वलिया इसके वास्ते सजदे नहीं करते कि मुझे जन्नत मिलेंगी, मुझे वो मिलेंगे, मुझे हूरें मिलेंगी, इसके वास्ते सजदे नहीं करते। अल्लाह के वली जो सजदा करते तो उन्होंने बोलते ये सजदे से रसूल अल्लाह मिल जाना और ये रसूल अल्लाह से सजदे से अल्लाह मिल जाना, अल्लाह मिल जाना बोल के सजदे करते हो। हमारे कोई जन्नत की गरज नहीं, हमारे कोई दोजख की, उन्हें देख लेंगे कौन सी दोजख कौन नहर जहन्नुम, ऐसे भी है अल्लाह वाले कि जिनको जहन्नुम में फेंकते जहन्नुम की आँख ठंडी हो जाएंगी। कह दिया था ना अल्लाह ने, से कह दो अली से कि अली पे नार जहन्नुम हराम है, क्योंकि अगर अली को जहन्नुम में डालते जहन्नुम की आँख बुझ जाएंगी। क्यों बुझ जाएंगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुगर दया बीतीस की शिकायत हुई तो सरकार अल्लाह ने फरमाया कि आपकी जो छोटी उंगली है उससे चाक कर खून पूरे शरीर का निकाल कर एक प्याले में पकड़ लो। पूरे प्याले में पकड़ लिए खून को, और पकड़ने के बाद आप ने फरमाया कि खून को कोई ले जाकर वो कर दो जैसा तफन कहीं हे, तो नहीं सकते इंसान का, आदमी इंसान का थोड़ी खून है, अल्लाह के नबी का, मोहम्मद का क्या करना। तो हजरत अली के हवाले करे लेकर गए, आपने सोचे इधर तदफीन इसको इधर करूँ उधर करूँ उधर करूँ किधर करूँ समझ में नहीं आ रहा। अब आप बोले इधर कर दूंगा तो कोई खुंदल के चले जाएगा कभी फ्यूचर में तो बेहद भी होंगी, कहाँ क्या करूँ। लास्ट में आपने पी लिए, पीने के बाद अल्लाह क्या फरमाता कि खून अगर कोई पींगा तो हराम है। और यहाँ देखो नबी पे कैसे कैसे, नबी की शान में अगर तुम कितना भी ढल गए और बह गए तो वहाँ कानून कायदे माफ़ कर देता, बदल देता कानून कायदे। मैं नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारा बता रहा हूँ कैसा बदलेगा कानून कायदा। तो खून पीना तो हराम है, अली ने तो पी लिए क्योंकि बेद भी होंगी जमीन पे अगर गिरेगा या कोई खुंदल के वहां से जेंगा मैं गाड़ दूंगा। पीते थे अल्लाह ने बाद में क्या बोलते थे वहां पे, आप ने फरमा दिए वही अल्लाह ने बता दिया उनको। आपने आगे फरमाए कि वो क्या करे तो अली ने फरमाया कि पी लिया मैंने अदब के वास्ते। वाकया पढ़ो, मैं मेरे जमाने में बताता तुम, अब तुम पढ़ो, किताबों का दौर है, मोबाइल का, इंटरनेट का है, पढ़ के तरक्की करो, ज्यादा तुम स्टडी करिए तो तुम तरक्की कर सकेंगे, आगे पहुंच सकेंगे, तुमको सब बातें मालूम होंगे। तो मैं क्या बोलूँ और मैं क्या बयान करूंगा। जब वो पीने के बाद अल्लाह ने बाद में क्या फरमाया कि कह दो अली से कि अली पे नार जहन्नुम हराम है, अब अली अगर कदम रख देंगे जहन्नुम में तो जहन्नुम की आँख ठंडी हो जाएंगी। तो ऐसे भी, और तुम तो जहन्नुम के इंदना बन रहे एक दूसरे पे जादू टोने करके, तुमको तो जहन्नुम में डाले बगर तो तुम बचने वाले नहीं है, क्योंकि आपने फरमा दिया था जो जादूगर के पास का वो हमें से नहीं है, जादूगर भी हमें से नहीं है। और दूसरी बात कि मैं उनकी शफात भी नहीं करूंगा, सारे 124,000 पैगम्बर आपसे शफात करके लेने वाले, क्योंकि आप हमारे भी नबी है और नबियों के भी नबी है। ये बहुत सारी बातें बताने बैठा तो ये समंदर है जितना बताने के उतने गहराई में जाएंगे। इन शॉर्ट में बता दिया, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सब दास्तान है, ये वबाओं से, जादू टोनों से, जिन्नात शैतानों से, सब मोमिन बंदों की, आले मोमिन बंदों की
और आशिक रसूलों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये जिसके घर में घुस जाते जादू टोने, ना हिंदू देखते, ना मुसलमान देखते, ना सिख, ना ईसाई, ना बड़ा ऑफिसर देखते, ना अधिकारी देखते, ऐसा धोते घुस के कि उसकी तोबा कबूल नहीं होने देते, उन्हें बयान भी नहीं कर सकता, ऐसी वाट लगाते उसकी, और बाद में लास्ट में डिप्रेशन में डाल के खत्म कर देते। अगर ये बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ देखा। हाँ, और मैं एक बात बताऊंगा कि जादूगरों के पास जाना नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। उन्होंने तुम्हारा क्या करते, एक तो तुम्हारा पूरा पैसा भी ले लेते, बर्बादी भी लगा देते, और उलट चलता उनका, उनको आता नहीं करने, सब उलट करके तुम्हारा उलट टिलट कर देते। और उस बात का मैं सख्त विरोध करता हूँ, हदीस के जरिए से तुम्हारा बताकर कि बता दिया ना, वो हमें से नहीं है जादूगरों पर। तो इसलिए जादूगर, ये इलाज वाले, इनका बायकॉट करो, इनके पास जाओ मत, हराम खोरों के पास में, बहुत हराम खोर रहते हैं। और इबादत करो, कुरान हदीस हर चीज तुमको दिया जी उससे। और जहाँ नहीं समझ रहा मुझे पूछो, मैं गाइड करूंगा ना पूरा वर्ल्ड। समझ में आया, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और क्या बयान करूंगा तुमको, आगे बोलूँ। हाँ, कौन है आदमी है, क्यों करा, क्या करा, वो आगे तो पूरा नामों के साथ तफसील में पूछा दूंगा। अभी मैंने उसको स्वास्थ्य नहीं पूछाया, उसको एक मौका भी तो देना, कानून कायदे के हिसाब से जरूरी है ना। तो ये भी दुनिया के दो दुनिया अलग अलग है ना, दोनों के काम उठा के लगा। हाँ, वो चुगटी में जुलाव की निकली, क्यों दबा रहे, क्यों खैर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको मन करने का।